गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मैथ। आज हम क्लास सेकंड और थर्ड के मैथ में वेट का डिवीजन पढ़ेंगे। वेट का डिवीजन, वेट मींस भार, वेट मींस वजन, भार। इसके पहले वीडियो बेटा हम लोगों ने वेट का ऐड, वेट का सब्ट्रैक्ट और वेट का मल्टीप्लाई सीखा, पढ़ा। आज हम लोग वेट का डिवीजन सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, डिवीजन ऑफ वेट, वजन भार का हम डिवीजन कैसे करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन जो है डिवाइड का अर्थ होता है बांटना। डिवाइड का अर्थ क्या होता है? बांटना। बार बार घटाने की क्रिया को हम भाग कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, और बार बार जोड़ने की क्रिया को हम मल्टीप्लाई कहते हैं। तो बेटा किसी चीज को बार बार जब हम घटाते हैं तो धीरे धीरे टुकड़ा छोटा होता चला जाता है, उसे हम भाग कहते हैं। तो डिवाइड मींस बांटना, कई टुकड़े करना। तो देखिए, डिवाइड 5 kg 680 g बाय 4। 5 kg 680 g को हमें 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो देखिए, अर्थात 5 kg 680 g को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो बेटा केजी और जी, केजी मींस किलोग्राम, जी मींस ग्राम। 5 kg, देखिए केजी के नीचे बेटा है, हम केजी के नीचे 5 को लिखेंगे और जी के नीचे 680 को लिखेंगे, क्योंकि 680 g है और 5 kg है। तो जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं ठीक उसी तरह से करेंगे। देखिए, 4 4 1 4 4 1 4। तो बेटा 5 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम सिंपल डिवाइड में करते हैं। 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया। क्या आया? 1। अब हम ग्राम की पहली संख्या को यहाँ, पहले डिजिट को यहाँ रखेंगे। तो अब ये बेटा हो गया 16। क्या हो गया? 16। अब 4 का टेबल हम 16 के लिए करेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब बेटा हम 16 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 से 6 निकाला 0, 1 से 1 निकाला 0। अब हम नेक्स्ट संख्या 8 को यहाँ रखेंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 8 से बेटा 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0। अब बेटा यहाँ बचा हुआ है 0, हम 0 को यहाँ रखते हैं। तो 4 0 जा
जीरो। इस तरह से हमारा आंसर 1 kg 420 g आया। 1 kg 420 g 1 kg 420 g। इसी प्रकार से बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 7 kg 324 g बाई 3। यहां 7 kg 324 g को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो अभी आपको बताया गया हम केजी लिखते हैं और जी लिखते हैं, दोनों के बीच में बेटा थोड़ा सा प्लेस हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा प्लेस दोनों के बीच में रखते हैं। तो देखिए केजी, केजी 7 को हम केजी के नीचे और 324 को हम जी के नीचे लिखते हैं, जी के नीचे रखते हैं। अब हमें 3 से डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 का टेबल हम 7 के लिए करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 से 6 को बेटा हम सबट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। 7 से 6 को हमने सबट्रैक्ट किया तो क्या आया, 1। क्या आया, 1। तो बेटा अब हम ग्राम की संख्या, पहली संख्या 3 को यहाँ रखते हैं, 3 4 जा 12। अब हम 13 से 12 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 से 2 को सबट्रैक्ट किया 1 आया, 1 से 1 को सबट्रैक्ट किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बेटा यह 1 आया, अब हम ग्राम के सेकंड नंबर को यहाँ रखते हैं 2 3 4 जा 12। अब हम 12 से 12 को सबट्रैक्ट करते हैं जिसका रिजल्ट 0 होता है। अब नेक्स्ट नंबर 4 को हम नीचे रखते हैं, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। 4 से हम 3 को सबट्रैक्ट करते हैं, 1 रिमाइंडर बचता है। इस तरह से आपका आंसर 2 kg 441 g और रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरह से हम किसी भी डिवीजन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा, और इसके लिए बेटा थैंक यू।